दोस्तों, एनाकोंडा सबसे बड़े और सबसे भारी ज्ञात सांपों में से एक है। ये दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों, झीलों और दलदलों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक उन्हें आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि वे पानी में छिप जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एनाकोंडा 30 फीट लंबा हो सकता है। इसका वजन करीब 550 पाउंड तक हो सकता है। मादा नर से बड़ी होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है एनाकोंडा पूरे जीवन भर लगातार बढ़ता रहता है। ये आमतौर पर गहरे हरे रंग के होते हैं। उनकी पीठ पर काले धब्बों की दो पंक्तियां होती हैं और किनारों पर सफेद निशान बने होते हैं। एनाकोंडा जमीन पर और पानी में शिकार करते हैं, लेकिन ये अपना अधिकतर समय पानी में बिताते हैं। एनाकोंडा मछली, कछुआ, काइपन, सुअर, जगुआर, हिरन खाना पसंद करते हैं। जब वे छोटे भोजन का शिकार करते हैं तो वे प्रतिदिन 40 पाउंड तक भोजन खा जाते हैं। अधिक भोजन करने से सांप कुछ सप्ताह तक तृप्त रहता है और उस दौरान वह कुछ नहीं खाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है एनाकोंडा जहरीला सांप नहीं होता है। वे अपने शिकार को मारने के लिए मजबूत और मांसल शरीर का उपयोग करते हैं। एनाकोंडा पहले अपने शरीर से शिकार को चारों ओर से लपेटेगा और इसे तब तक निचोड़ेगा जब तक कि दम घुटने से उसकी मौत ना हो जाए। जब जानवर मर जाता है तो एनाकोंडा पूरे शिकार को एक टुकड़े में निगल जाता है। एनाकोंडा रात के समय में शिकार करते हैं। मादा एनाकोंडा 20 से 40 बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे 2 फीट लंबे होते हैं। वे जन्म के समय ही व्यक्तिगत जीवन के लिए सक्षम होते हैं। अगर इनके जीवन काल के बारे में बात करें तो एनाकोंडा जंगल में करीब 10 से 15 साल तक जीवित रहते हैं और अगर इनको कैद में रखा जाए तो ये करीब 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको एनाकोंडा के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो इसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।